नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स सेशन नंबर 16 देखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सरकार ने 23 विश्वविद्यालयों के लिए पायलट छात्र वीजा योजना विस्तारित की है? आंसर है आपका ब्रिटेन। 23 विश्वविद्यालयों के लिए पायलट छात्र वीजा योजना विस्तारित की है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत को एक बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति बताते हुए हाल ही में अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? आंसर है आपका अमेरिका। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है आपका सोनू सूद। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार ने अपने यहाँ रोहिन स्टेट के विकास के लिए हाल ही में किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? आंसर है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली किस स्थान पर बरकरार हैं? आंसर है आपका दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NGT ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा नदी के तट के कितने मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लगाई? आंसर है आपका 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की संसद ने 2040 तक देश के भीतर और विदेशी क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पास किया है? आंसर है आपका फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में कितनी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई? आंसर है आपका 32 परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस न्यायमूर्ति को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? आंसर है आपका न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय सोलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में बुली मैथन के कितने हजार साल पुराने कंकाल की नीलामी करीब 4.15 करोड़ रुपए की हुई? आंसर है आपका 15,000 साल पुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर 2017 को ओखी चक्रवात से प्रभावित राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? आंसर है आपका 325 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर बताया कि अब राज्य में 24/7 या 24x7 दुकानें खुली रहेंगी? आंसर है आपका महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों आपके लिए एक अपडेट न्यूज़ है, जिन दोस्तों ने SSC CHSL का फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उसकी डेट बढ़कर 27 दिसंबर 2017 हो गई है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है CHSL का तो वो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7007981465 है। इस पर आप मुझे इंडियन स्टडी लिखकर मैसेज कर सकते हैं, जिससे जितने भी आने वाली न्यूज़ या अपडेट जितने भी होंगे मैं आपके व्हाट्सएप नंबर ही प्रोवाइड करा दिया करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इंडियन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।